हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी और आज बात करते हैं एक बार फिर से बिग बॉस 14 की। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस हाउस की, उसमें सिर्फ अंदर के फ्रेशर्स और सीनियर्स की बात नहीं की जाएगी, बल्कि एक ऐसे शख्स की बात की जाएगी जो शायद बिग बॉस के घर में एंट्री ले सकता है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, और वो शख्स हैं रिया चक्रवर्ती। ये वो नाम है जो आजकल काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती, जो कि उनकी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड थी, उनका नाम काफ़ी नेगेटिविटी भी बटोरा। उनको एक महीने जेल में भी रहना पड़ा और ड्रग केस में भी उनका नाम आया, ये हम सब जानते हैं। पर अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती का रियल साइड देखने के लिए उन्हें बिग बॉस में आना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि बिग बॉस में कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी होने वाली हैं, तो रिया चक्रवर्ती ऐसा तो नहीं है कि बिग बॉस में एंट्री लेंगी और कुछ चीज़ें जो कि क्लियर करनी बाकी हैं वो इस शो के थ्रू क्लियर करना चाहेंगी अपने फैंस से। खैर, अगर इस पर बात करें तो डिटेल्स ये हैं कि टेलीविज़न इंडस्ट्री के एक जाने माने एक्टर हैं सूरज कक्कड़, जो ये चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती अब बिग बॉस में आएं और सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके रिलेशनशिप पर एक ओपन अप स्टेटमेंट दें। बिग बॉस में सूरज कक्कड़ का ऐसा मानना है कि बिग बॉस में क्योंकि हर इंसान 24 घंटे कैमरे की नज़र में रहता है, तो ये तो नहीं हो सकता कि वो 24 घंटे अपने आप को पोर्ट्रे करे, और इसलिए अगर रिया चक्रवर्ती बिग बॉस के घर में आती हैं तो हो सकता है कि उनका रियल साइड देखने को मिल जाए। वो सही है या गलत, ये व्यूअर्स डिसाइड कर पाएं। खैर, टेलीविज़न इंडस्ट्री के लोग जो भी मानते हों, पर फिलहाल तो रिया चक्रवर्ती का बिग बॉस में आना नामुमकिन के बराबर लग रहा है, क्योंकि अभी भी उनके ऊपर से ड्रग केसेस नहीं हटे हैं और अभी भी उनको पुलिस कस्टडी में भले ही ना रखा जा रहा हो, पर कई केसेस में उनसे पूछताछ जारी है। इसलिए हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती आगे आने वाले किसी सीजन में अपने आप को क्लैरिफाई करती दिखें, पर फिलहाल के लिए तो बिग बॉस के घर में उनके लिए जगह नहीं दिखाई दे रही है। अब बिग बॉस क्या करेंगे आगे, मेकर्स क्या नया ट्विस्ट लेकर के आएंगे, इस बात से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। रिया चक्रवर्ती को लेकर के भी कई अपडेट्स अभी आनी बाकी हैं, और अगर रिया चक्रवर्ती का लिंकअप बिग बॉस में हो जाता है तो ये शायद इस सीजन के लिए सबसे बड़ा TRP पॉइंट होगा। अगर आप बिग बॉस की इस तरीके की कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और रिया चक्रवर्ती और बिग बॉस का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।